ना पोस्ट। मोहम्मद गुलजार बताइए कौन है ये और आपको इनके बारे में क्या पता है? इनके बारे में तो कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता? हम लोग नया नया आदमी है। नए हैं मगर यहीं का है। यहीं के हैं ये सब नए जनरेशन है। इन लोगों को इनके बारे में कुछ पता नहीं होगा। पहली बार देखें। इनसे पूछिए, हमसे पूछिए, उनसे पूछिए तो थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा तो बता देंगे। आइए बैठिए भैया। आइए भाई आप बताएं, सामने आइए बैठिए। मोनू भैया अपना आओ ना बोलो। ये लोग सब नया जनरेशन। हाँ समझे। ये जो है हकीम साहब के खानदान से है और इनका नाम डॉक्टर मोहम्मद सरफुद्दीन हकीम साहब। ये अपने सरजमीन पे आए हैं दौरा करने के लिए, अपने आबाई वतन को देखने के लिए आए हैं। बुजुर्ग आदमी है और ये वली टाइप के हैं। अच्छा ख्याल है, अच्छा व्यवहार है, जो है आए हैं अपने आबाई वतन को देखने के लिए। इनकी मोहब्बत है ये हमारा गांव का जो रोशन किया। पद्मभूषण पुरस्कार इनको जो मिला है ये हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है और ये हमारे आज नज़दीक भी है। इनको सामने सामने देख रहे हैं, फेस टू फेस। इस गांव का एजुकेशन का जो पहला जनरेशन भी शायद इन लोग से शुरू हुआ है और काफ़ी ऊपर तक ही इनका ही अभी तक है। मैं करते कि गांव छोड़ दिया है लेकिन अब भी बहुत ऊपर है। उन्होंने बात की नीतीश कुमार से तो यहाँ कोई ज़मीन देने को तैयार नहीं। 10 कट्ठा ज़मीन चाहिए रोड साइड। काहे के लिए? हॉस्पिटल बनाने के लिए, जो गांव के लोगों के हित में फायदा हो। क्या लगता है? हम लोग को तो लगता है बहुत ही खुशी की बात हुई है। हम लोग के गांव के बुजुर्ग हैं, इतने बड़े वार्ड मिले हैं, इससे हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। सारे नौजवान सारे जितने हम लोग को गांव में हिंदुस्तान में, इससे बहुत हम लोग को खुशी मिली। अगला पद्म भूषण इस गांव में कौन लाएगा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई लाएगा, समझे ना, ऐसा कोई है ही नहीं जो लाएगा। बताइए माँ जी, आप जानती हैं इनको? उनके बारे में जानो ही। शराफत दादा की बेटी नमूना बेटा, सामने से हटो। ऊपर जाइए, उधर ही जाइए। मतलब
अच्छा मौलानी अच्छा छोटकी है तो कमाल बन चार पाँच कमाल वाली पाँच पाँच दो दोनों मौलानी है कमाल वाली चार पाँच पांच है चार गोतनी तो पानी कहाँ खाना ले जा रहे हैं हम ले जा रहे हैं सुनो ये कुटा अभी नहीं है ये बन आ चेयर लागल रहे
सामने से हट जाओ। जवाब नहीं दिया, हो गया ट्रेन बहुत अभी आप बैठने का बंदोबस्त कर रहे हैं, जल्दी कर रहा हूँ। रात देखो 5-6 घंटे का रास्ता। राहत कहाँ की? राहत देख निकलेंगे। मदरसा के जो गए थे आपके पास आलम चचा है चंदा लेने के लिए, बीच में तबीयत इनकी बहुत खराब थी, अभी ठीक है माशाल्लाह। अहमद का बेटा। हाँ अरे
confusion. आइए साहब आइए कितना खिंचवा. अरे छोड़िए. आप वो कटोरा उठा ले तो मैं आ जाऊं. आइए. आप वो कटोरा उठा ले तो मैं आ जाऊं. आइए. चलिए बिस्मिल्लाह तो कीजिए. अरे वो देखेंगे गर्म है, बहुत गर्म. अच्छा अच्छा गिर जाएगा.